फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड अप्लाई कैसे करें 2023 में, बिल्कुल नया प्रोसेस इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं। अगर आप भी फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं 2023 में, इस वीडियो में आपको सब कुछ लाइव प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर हम अपना खुद का फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने वाले हैं बिना कोई इनकम प्रूफ का। तो अगर आप भी फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं 2023 में बिल्कुल नया प्रोसेस, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसे आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हम फ्लिपकार्ट के थ्रू फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने वाले हैं, जिससे दोस्तों हमारा क्रेडिट कार्ड जो है काफी फास्ट अप्रूवल मिलेगा और यहाँ पे 1250 रुपए का गिफ्ट कार्ड भी मिलेगा फ्लिपकार्ट में। तो अप्लाई करने के लिए अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के बारे में बताया गया है, जिसे इसमें देख सकते हैं आपको जो है क्या क्या बेनिफिट्स वगैरह मिल जाता है। आप चाहे तो इसको रीड कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना है, अपना फुल नेम डालना है जिस तरह से आपके पैन कार्ड में है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ पैन कार्ड आधार कार्ड में है। उसके बाद आपको अपना फादर्स का फुल नेम डालना है, मदर्स का फुल नेम डालना है, जेंडर सेलेक्ट कर लेना है मेल फीमेल है, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेना है अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, उसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर ऑक्यूपेशन टाइप सेलेक्ट कर लेना है, सैलराइड पर्सन है, सेल्फ एम्प्लॉयड है। अगर सैलराइड पर्सन होंगे तो सैलराइड के ऊपर क्लिक करके कंपनी नेम डालेंगे, अगर सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे तो सेल्फ एम्प्लॉयड करके बिजनेस का नाम डालेंगे, जो भी बिजनेस का नाम है। उसके बाद ओनरशिप टाइप सेलेक्ट कर लेना है, किस तरह का आपका बिजनेस का ओनरशिप है। अगर आपका खुद का बिजनेस है तो यहाँ पर आपको सोल प्रॉपर्टीज वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेना है। उसके बाद नेचर ऑफ बिजनेस सेलेक्ट कर लेना है, आपका बिजनेस किस टाइप से है। अगर आप सैलराइड पर्सन होंगे तो आपको उसके हिसाब से यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद एनुअल इनकम डाल देना है और नेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर देख सकते हैं आपका ईमेल एड्रेस आ जाएगा, जो आपके फ्लिपकार्ट ऐप में होगा। अगर नहीं आ रहा है तो यहाँ पर आपको ईमेल आईडी डाल देना है। अब यहाँ पर आपको करंट रेसिडेंस एड्रेस सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका फ्लिपकार्ट में एड्रेस होगा वह सभी एड्रेस यहाँ पे शो करेगा। अगर आपका यही रेसिडेंस एड्रेस है तो आप इसे सेलेक्ट कर लीजिएगा, अगर आपको कोई दूसरा एड्रेस ऐड करना है तो आप नीचे करके ऐड कर सकते हैं। उसके बाद रेसिडेंस टाइप सेलेक्ट कर लेना है, आपका किस टाइप से एड्रेस है, खुद का घर है या फिर रेंटेड वगैरह है। उसके बाद यहाँ पर वर्क एड्रेस आपको सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका फ्लिपकार्ट में ऐड होगा, अगर कोई दूसरा है तो आपको ऐड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको किस एड्रेस पर कार्ड डिलीवर करवाना है, करंट रेसिडेंशियल एड्रेस पे या फिर वर्क एड्रेस पे। तो आपको जिस एड्रेस पर भी फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड डिलीवर करवाना है उसे आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको इस ऑप्शन के ऊपर टिक करना है और नेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जिसे आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका टर्म्स कंडीशन आ जाएगा, नीचे आपको स्क्रॉल करके इसे एक्सेप्ट कर लेना है इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके। उसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा जिसे डाल करके यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपका एप्लीकेशन सबमिट हो रहा है तो इसके लिए आपको जो है 1 से 2 मिनट का वेट करना है। यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास एप्लीकेशन आईडी मिल चुका है, जो हमने यहाँ पर क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा एप्लीकेशन जो है लगभग कंप्लीट हो चुका है। सो यहाँ पर देख सकते हैं हमें जो है वीडियो केवाईसी कंप्लीट करने का ऑप्शन आ चुका है। वीडियो केवाईसी यहाँ पर देख सकते हैं ऑनलाइन होगा। केवाईसी करने के लिए आपके पास ओरिजिनल पैन कार्ड होना चाहिए। केवाईसी करने के लिए यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रोसीड टू वीडियो केवाईसी वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं एक्सिस बैंक का वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जा रहा है वीडियो केवाईसी कंप्लीट करने के लिए। आपको कुछ सेकंड का वेट करना है, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर आपका वीडियो केवाईसी अगर अनकम कंप्लीट रह जाता है तो आपको जो है केवाईसी कंप्लीट करने के लिए एक्सिस बैंक की ओर से वीडियो केवाईसी का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप केवाईसी को कंप्लीट कर पाएंगे। तो यहां पर सबसे पहले आपको जो है लोकेशन का परमिशन दे देना है, कंटिन्यू वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो भी आपसे परमिशन वगैरह लिया जाएगा एलाव आपको कर देना है। अब यहाँ पर हमें जो है आधार कार्ड नंबर डालने के लिए बोला जा रहा है तो यहाँ पर आधार कार्ड नंबर डाल करके प्रोसीड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आधार कंसेंट आ जाएगा, जिसे आपको आई एग्री वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके एग्री कर लेना है। उसके बाद जो भी आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, जिस ओटीपी को डाल करके कंफर्म ओटीपी वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे।
उसके बाद यहाँ पर आपका डिटेल्स आधार कार्ड से फैच कर लेगा, जैसे आपका एड्रेस वगैरह। अब आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं वीडियो केवाईसी कंप्लीट करने के लिए आपको क्या करना है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपके पास पैन कार्ड रेडी है तो यहाँ पर आपको इन तीनों ऑप्शन के ऊपर टिक करना है और आई एम रेडी वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आई एग्री वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो है वीडियो केवाईसी करने के लिए एक्सिस बैंक का एक एजेंट से कनेक्ट किया जा रहा है। तो आपको यहाँ पर कुछ सेकंड का वेट करना है। आपको यहाँ पर बैक वगैरह कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको अपने साथ में ओरिजिनल पैन कार्ड रखना है। यहाँ पर आपको पैन कार्ड दिखाना होगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं परमिशन अब हमें जो है अलाउ करने के लिए बोला जा रहा है, परमिशन को आपको अलाउ कर देना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से आप जो है एक्सिस बैंक का एजेंट से कनेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर कनेक्ट होने में कुछ टाइम लग सकता है तो आपको वेट करना है जब तक उधर से कोई भी साउंड वगैरह नहीं आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर आपसे जो है आपका नाम पूछा जाएगा और आपको ओरिजिनल पैन कार्ड दिखाने के लिए बोला जाएगा, जिसे आप ओरिजिनल पैन कार्ड दिखाएंगे। उसके बाद आपका नाम वगैरह वेरीफाई कर लिया जाएगा, फिर आपका जो है केवाईसी यहाँ पर कम्प्लीट हो जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो है केवाईसी कम्प्लीट हो चुका है, तो आपको बैक वगैरह कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा चुका है योर वीडियो केवाईसी वाज सक्सेसफुल, यानी हमारा जो है केवाईसी सक्सेसफुल हो चुका है। इस तरह से दोस्तों आपका जो है फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड अप्लाई हो जाएगा, आपका वीडियो केवाईसी भी कंप्लीट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको वेट करना है, तो यहाँ पर हो सकता है आपका जो है वेरिफिकेशन भी किया जा सकता है, या फिर दोस्तों आपको जो है बिना कोई वेरिफिकेशन का भी कार्ड अप्रूवल मिल सकता है। इसमें मैक्सिमम 7 दिन का टाइम लग सकता है। अप्रूव होने के बाद आपका फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड जो है आपके एड्रेस पर आ जाएगा। वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में।